श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान अब भी जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उनके इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। उनके प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, फिर भी आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दिल्ली के पटेल चौक पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब सरकार के मंत्री और आप नेता हरजोत सिंह बैंस को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि धारा 144 लागू कर दी गई है, विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति है ही नहीं। सुरक्षा कारणों से पटेल चौक के अलावा लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को दोपहर तक बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में ड्रामा कर रहे हैं, उन्होंने जेल से जो चिट्ठी लिखी है वो फर्जी है। बीजेपी ने केजरीवाल की उस कथित चिट्ठी की एलजी से शिकायत की है, जो उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को भेजी है। ऐसे में वो नौटंकी कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की बड़ी चिंता है, 9 साल जब आपको मौका मिला तब तो आप शराब घोटाले करते रहे, शराब तस्करों का साथ देते रहे, और अब आप कहते हैं कि दवाइयां नहीं है, पानी नहीं है, मंत्री को पता नहीं है, भारद्वाज को नहीं पता कि दवाइयां हैं या नहीं है, लेकिन जेल में जो 9 साल तक किसी काम नहीं किया वो कह रहा है। इसलिए जैसे सुरेंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सुरेंद्र जैन को मजबूर किया था, अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहां ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को जमानत नहीं मिली है। अब उन्हें कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। के कविता की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा कि के कविता उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी जिसने 2021-22 के लिए दिल्ली में शराब कारोबार के लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। के कविता के वकीलों ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का केस है। के कविता की अंतरिम जमानत पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान के कविता के वकील ने कहा कि ईडी जो पूछताछ कर रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान हो सकता है। महाविकास आघाड़ी यानी MVA की तीनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना UBT और NCP शरद पवार गुट के बीच सीटों पर सहमति बनने की खबर है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि मंगलवार को 15-16 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना UBT को MVA ने सबसे ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी हैं।
पहली लिस्ट में उद्धव ठाकरे की पार्टी 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, बाकी 1-2 सीटों पर बाद में फैसला लिया जाएगा। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे अमोल किरीटकर को मुंबई उत्तर पश्चिम से उम्मीदवार बना सकते हैं, जबकि चंद्रहार पाटिल को सांगली और अनंत गेटे को रायगढ़ लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और शरद पवार को एनसीपी भी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कांग्रेस नागपुर, चंद्रपुर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पंजाब में बीजेपी की शिरोमणि अकाली दल से बात नहीं बनी है। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा था। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच लंबे समय से चल रही गठबंधन की तस्वीर साफ हो रही है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब में बीजेपी अकेले उतरेगी। एक्स पर जारी एक वीडियो में सुनील जाखड़ ने कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लोगों और आम कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला ले लिया है। जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। गठबंधन के कयासों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने MSP और किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर केस वापस लेने जैसी शर्तें रखी थी। कई दिन से बीजेपी और सुखबीर बादल में बातचीत चल रही थी, लेकिन सुनील जाखड़ के बयान के बाद स्थिति साफ हो गई है। पंजाब में बीजेपी का मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल से भी होगा। बीजेपी ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले सभी 6 नेताओं को टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सभी बागियों को टिकट दिए हैं। इनमें धर्मशाला विधानसभा सीट से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टू शामिल हैं। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने बगावत कर दी थी, जिसके चलते सरकार में होते हुए भी उनके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे। बगावत में यही 6 नेता शामिल थे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इसी दिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी बड़ी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।